हेलो बच्चों कैसे हो बच्चों आज हम एंटी मारकवानिक ऑप्स रूल डिस्कस करेंगे ठीक है तो आइए शुरू करते हैं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मारकानिक ऑप्स रूल क्या होता है मारकवानिक ऑप्स रूल में हम अनसमेटिकल अल्किन्स की रिएक्शन अनसमेटिकल रिजेंट के साथ करते हैं इस केस में क्या होता है रिजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है जिसपे कम हाइड्रोजन होते हैं और रिजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है होते हैं ठीक है एंटी मार्कवानिक ऑप्स रूल में क्या होता है अनसेमेट्रिकल अल्किन की रिएक्शन अनसेमेट्रिकल रीजन के साथ होती है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ठीक है तब जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कवानिक ऑप्स रूल के तहत नहीं बनता है प्रोडक्ट दूसरा बनता है तो इस रूल को एंटी मार्कवानिक ऑप्स रूल कहते हैं ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है उसके बाद डिस्कस करते हैं वेन एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्किस विद एंथमेटिकल रीजेंट इसमें अंथमेटिकल रीजेंट हम एच लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टेक्स प्लेस द प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मोरकानिक ऑफ सरूल प्रोडक्ट this rule is called as anti-mark quanic ops rule okay? when addition of unsymmetrical alkenes with unsymmetrical reagent in presence of peroxide take place the product is different from मार्कोनिक ऑप्स रूल प्रोडक्ट दिस रूल इज कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल ठीक है अब आइए मैं एग्जांपल लेता हूं ये हमारे पास ऑनसमेट्रिकल अल्कीन है ठीक है और ये अनसेमेटिकल रीजेंट है ठीक है बच्चों इसका आपको पता ही है ये नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है ठीक है अब मार्क्वानिक आपस रूल क्या कहता है कि जब अनसमेटिकल अल्किन की रिएक्शन अनसमेटिकल रीजेंट के साथ होती है तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता है उस कार्बन पे जिस पे कम हाइड्रोजन हो तो इसका मतलब है ये नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट दूसरे कार्बन पे जाएगा तो पॉजिटिव पार्ट ये है तो ये यहाँ पे जाएगा तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा ठीक है ये है मार्कवानिक ऑप्स रूल ठीक है मार्क्वानिक ऑप्स रूल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं तो डिटेल के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं ठीक है अब बात आती है एंटी मार्क्वानिक ऑप्स रूल की रिएक्शन हम सेम लेंगे ठीक है टी मार्कवानिक ऑप्स रूल में क्या होता है हम रिएक्शन पर ऑक्साइड में कराते हैं ठीक है इसमें ये नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है रीजेंट का अब ये नेगेटिव पार्ट यहां पे नहीं जाएगा और ये पार्ट यहां नहीं जाएगा ठीक है अब क्या होगा ये पार्ट यहां पे जाएगा ये पार्ट यहां पे जाएगा ठीक है मतलब मार्कवानिक ऑप्स रूल से उल्टा प्रोडक्ट बनेगा ठीक है तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा ठीक है बच्चों, तो इसको एंटी मार्क्वानिक ऑप्स रूल कहते हैं ठीक है यह था एंटी मार्कवानिक ऑप्स रोल के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा आज की वीडियो में इतना ही इजाज़त दीजिए नमस्कार